एंजल कुटीज, ये सोच रहे हो ना कि डैनी सड़क के कोने में क्यों बैठा हुआ है? इसका कारण ये है कि आपके जैसे ही मैं दो दोस्तों को बैंगलोर मिलने आया हूँ। इन दो दोस्तों को मैं एंजल कुटीज की सभा में मिला था और इसके अलावा शहीदों के सभा में भी देखा था। उसके बाद ही मुझे समझ में आया कि यीशु पिता ने उन्हें बहुत से दर्शन प्रदान किए हैं। क्या आप उनके विषय में जानना चाहोगे? चलो उनसे जाकर मिलते हैं। अरे वाह 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 वाह, कितनी अद्भुत जगह है दोस्तों। क्या आप देख सकते हो, हरी हरी घास है, चिड़िया गीत गा रही है और तितलियां भी है दोस्तों। कितनी बढ़िया जगह है ना। अभी पूरा बैंगलोर घूमकर मैं एक पार्क में शांति से बैठा हुआ हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है दोस्तों, अब हम लोग हमारे दोस्तों के विषय में जाने। अब वो हमें यीशु पिता के दिखाए हुए दर्शनों के बारे में बताएंगे। क्या आप सुनने को तैयार हो? चलो चलो सुनते हैं। हाय एंजल कुटीज, प्रभु की स्तुति हो। हम दोनों शैरन और जॉयस के मम्मी और पापा हैं। शैरन हमारी बड़ी बेटी है और उसे कंसीव करने से पहले मुझे बीपी था और इसकी वजह से डॉक्टर्स बहुत चिंतित थे कि उनको भय था कि मैं किस तरह से कंसीव कर पाऊंगी। पर प्रभु के अनुग्रह से, यीशु पिता के पवित्र अनुग्रह से कंसीव करने के बाद भी पूरे 9 महीनों तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। पूरी प्रेगनेंसी मेरे अच्छे से गई। शैरन, ये नाम हमें यीशु पिता ने दिया था। शैरन का मतलब है प्रभु का गीत। उसे हम प्रभु के गीत की तरह ही देखते हैं और इसी तरह से वो हमेशा गीत गाती रहती है, प्रार्थना करती रहती है। अगर हम शैरन की बात करें तो एंजल कुटीज के बैंगलोर के शिविर में उसे अभिषेक प्राप्त हुआ था। उसके बाद उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। धीरे धीरे वो अपने प्रार्थना जीवन में बढ़ने लग गई थी। और एक बार मालकोशे सीरियल देखते वक्त छोटे बच्चों को प्रार्थना करते हुए देखकर और उनको आत्मिक अनुभव प्राप्त करते देखकर अकेले प्रार्थना करने के लिए उसने उत्साह प्राप्त किया। और इसी तरह से जब प्रार्थना करते समय उसको अभिषेक प्राप्त हुआ और आत्मिक अनुभव प्राप्त हुए उस सीरियल के द्वारा, सब सीरियल के द्वारा ही। और ये सब देखकर मैं ये कह सकती हूँ कि एंजल टीवी हमारे लिए एक आशीर्वाद की तरह है। ये सब शैरन के विषय में है। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्रार्थना जीवन में भी अच्छा कर रहे हैं और संडे स्कूल में भी अच्छी तरह से कर रहे हैं, सब जगह। और प्रभु के अनुग्रह से वो एक अनुशासित तरह से बढ़ रहे हैं। और इन सब चीजों के लिए हम एंजल टीवी का धन्यवाद करना चाहते हैं। एंजल टीवी ने हमारी बहुत मदद की है कि हम हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ सकें। हेलो एंजल कुटीज, अब मैं आपको मेरा अनुभव बता सकती हूँ। एक बार उन्होंने बैंगलोर में एक सभा आयोजित की, जब एंजल कुटीज में आंटी प्रार्थना कर रही थी ना, आंटी प्रार्थना कर रहे थे ना, उस समय क्या हुआ पता है? मैंने आंटी को नहीं देखा, पर मैंने यीशु पिता को देखा सिंहासन पे बैठे हुए। और मैंने माइकल स्वर्गदूत को देखा और गैब्रियल स्वर्गदूत को लेफ्ट में देखा। और उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे स्वर्गदूत थे हर तरफ।
यही था पहला दर्शन जो प्रभु ने मुझे दिखाया था दोस्तों, ये मैंने मम्मी को खुशी खुशी बताया। हाय दोस्त, मेरा नाम जॉयस है और मैं बैंगलोर में रहती हूँ। पिता का देखा हुआ पहला दर्शन क्या मैं आपको बताऊं? यीशु पिता मुझे अपने साथ स्वर्गलोक लेकर गए। उसके बाद उन्होंने मुझे एक बॉक्स दिया और कहा कि मैं उसे खोल दूं, ऐसा कहा। जब मैंने उसे खोला तो उसमें एक चमकता हुआ ड्रेस था, मेरे लिए था। बहुत चमक थी उस ड्रेस में। फिर उन्होंने कहा ये पहन लो। मैंने कहा हम कहाँ जा रहे हैं यीशु पिता? तो उन्होंने कहा जब पहनूंगी तब वो बताएंगे मुझे, ऐसा बोले वो। फिर मैंने वो पहन लिया। मैंने प्रभु से पूछा कि अब बताइए हम कहाँ। यीशु पिता ने कहा मुझे, यीशु पिता ने कहा मैं तुम्हें नरक में ले जाने वाला हूँ। जब वो मुझे वहाँ लेकर गए उन्होंने मुझे वहाँ 3 शैतानों को मारने के लिए कहा। मैंने कहा ठीक है यीशु पिता, ऐसा। फिर मैंने कहा यीशु पिता इसका नाश कीजिए, यीशु पिता के नाम से मेरे से दूर चले जाओ शैतान। मैंने ऐसा कहा, यीशु पिता का नाम में भगाया। जब मैंने इन शब्दों को कहा एक तलवार और अग्नि मेरे मुंह से निकली। हाँ, मेरे मुंह से तलवार और अग्नि निकले और फिर उन्होंने 3 शैतानों पर हमला किया। वो उनके पेट में चले गए और वो सब मर गए। यीशु पिता ने मुझे ये पहला दर्शन दिखाया और ये मेरा पहला दर्शन है दोस्तों। मैं अपनी दूसरी बेटी जॉयस उसके बारे में बोलने वाला हूँ। हमारी इच्छा थी कि हमारा जो दूसरा संतान हो वो एक बच्चा हो, लड़का हो वो, पर हमारी दूसरी संतान भी एक लड़की ही हुई। और मुझे लगा कि मेरे आसपास के लोग मुझे नीचा समझते हैं और मेरे बारे में बातें करते हैं इसी वजह से, पर प्रभु ने मुझे उनकी आवाज़ सुनने का अनुग्रह प्रदान किया है ताकि मैं उनकी आवाज़ सुन सकूं। और प्रभु ने मुझे ये समझाया कि कम से कम मेरे पास बच्चे तो हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। और फिर उसी समय हम लोग बच्चे का नाम रखने की सोच रहे थे, तो फिर प्रभु ने कहा कि ये जो बच्ची है इसके आने से दुख नहीं, खुशी हुई है। और फिर प्रभु ने मुझे जॉयस मेयर के बारे में भी याद दिलाया, तो मैंने स्पष्ट तौर पे फैसला किया कि मैं अपनी बच्ची का नाम जॉयस रखूँगा। चाहे लोग कुछ भी कहें पर ये खुशी और आनंद लेकर आई हुई बच्ची है, तो इसका नाम मैंने रख दिया और प्रभु ने मुझसे ऐसा करवाया। और अगर आप उसे देखेंगे तो फिर वो अपने नाम की ही तरह बहुत ही खुशी में और आनंद में रहती है। अगर हम लोगों को कहीं चोट लग जाए तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, पर वो अगर उसे चोट लग जाए तो तब भी खुशी रहती है, उसे दुख नहीं होता। उसके विषय में एक और बात बताऊं तो उसे गीत बहुत ही पसंद है, बहुत पसंद। वो गीतों को बहुत आसानी से याद कर लेती है, बहुत आसानी से। वो बहुत अच्छे से डांस करती है और आसपास के लोगों के बारे में नहीं सोचती। वो बहुत ही आसानी से चीज़ों को सीख लेती है और उसके द्वारा मुझे कई बार शक्ति मिलती है। जब वो 1.5 साल की थी तो उस समय एक बार क्या हुआ कि हम छत पर थे और जो मेरी बेटी है वो मेरी गोद में थी, और ठीक उसी समय जो मेरी बड़ी बेटी है वो अचानक से ही बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, वो बहुत तेज़ चिल्लाने लगी वो। तो फिर उस समय मैं बहुत ही शौक में था और मैंने अपनी बच्ची को गोद में बहुत ही टाइट से पकड़ा और जल्दी से दौड़ के नीचे गया। उसी वक्त मेरे पड़ोस के घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो वहाँ पर पानी और तेल गिरा हुआ था, तो मैं फिसल गया। और जब मैं फिसला तो मैं बहुत तेज गिर गया, पर फिर भी जो मेरे गोद में बच्ची थी उसे प्रभु ने कुछ नहीं होने दिया। क्या मैं आपको अपना अगला दर्शन बताऊं? मैंने ना शहीदों की सभा में भाग लिया था जो तिरुनेल वैली में हुई थी।
क्या मैं आपको वो दर्शन बताऊं जो प्रभु ने मुझे वहां पर दिखाया? जब मैं प्रार्थना कर रही थी ना, माइकल स्वर्गदूत मेरे सामने खड़े हुए थे और मेरे पीछे शैतान का एक झुंड था मुझसे लड़ने के लिए। फिर यीशु पिता ने मुझसे कहा कि मुझे लड़ना है, तो मैं लड़ी फिर उन लोगों से और मैंने उनसे लड़ाई की, यीशु पिता की शक्ति के साथ लड़ाई की। और जब मैं लड़ रही थी एक शैतान के साथ जो काले रंग का था, वो उसने मुझे मारने की कोशिश की पर मैंने उसका नाश कर दिया। मेरा नाम जॉयस है। क्या मैं आपको मेरा दूसरा दर्शन बताऊं? मैं एक शॉप में गई थी तो वहां मैं गिर गई थी और वहां पे एक स्वर्गदूत था और स्वर्गदूत के हाथ में एक तलवार थी। यीशु पिता उनके पास में खड़े हुए थे और पता है फिर यीशु पिता ने मुझसे कहा, घबराओ मत, रो मत, हमेशा हंसते रहो, ऐसा कहा मुझसे। और मैं मुस्कुराने लगी, मुझे चोट नहीं लगी थी। यीशु पिता ने मुझसे कहा कि मुझे जानना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि वो हमेशा मेरे साथ है और मैं बहुत खुश हो गई वो बात को सुनकर। यीशु पिता ने कहा कि तुम्हें मेरे साथ खुशी रहना है। फिर मैंने कहा ठीक है यीशु पिता, मैं खुश रहूंगी। और उसके बाद मैंने यीशु पिता को थैंक यू कहा। ये मेरा दूसरा दर्शन है दोस्तों। दोस्तों, तिरुनेल वैली में जो शहीदों की प्रार्थना में मैंने भाग लिया था ना, तो मैं जब प्रार्थना कर रही थी और मुझे प्रभु ने दर्शन दिखाया, वो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, ठीक है। तीसरे दिन पर जब मैं प्रार्थना कर रही थी तब मैंने एक दर्शन देखा। यीशु पिता ने मुझे एक सुनहरा बॉक्स दिखाया और मैंने यीशु पिता से पूछा कि उसमें क्या है, तो यीशु पिता ने मुझसे कहा कि इसे खोलो और मुझे उसके अंदर एक वाइट ड्रेस मिला। फिर जो वाइट ड्रेस मुझे उसके अंदर मिला ना, तो यीशु पिता से मैंने पूछा कि उसके अंदर वाइट ड्रेस क्यों है। यीशु पिता ने मुझसे कहा कि इसे पहन लो। फिर मैंने उसे पहन लिया और जब यीशु पिता मुझे अपने साथ लेके जा रहे थे, वहां पर बहुत सारे शैतान थे, ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे शैतान थे ना, और यीशु पिता ने मुझे कहा कि मुझे उनसे लड़ना है और मैंने उनका नाश कर दिया। दोस्तों, हाल ही के समय में जब तिरुनेल वैली शहीदों की सभा के विषय में उन्होंने बैंगलोर शिविर में बताया था, तब हमने सोचा नहीं था कि हम उसमें भाग लेंगे, पर जब उसकी एडवर्टाइजमेंट एंजल टीवी पर आ रही थी, शैरन ने ही हम पर दबाव डाला कि मम्मी हमें इस सभा में जाना चाहिए, हम सभी को इस शहीदों की सभा का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि मैं एक शहीद हूँ। तो इसी ने हम पर दबाव डाला कि हम इस सभा में भाग लें। उसके बाद हमने एक परिवार की तरह इस विषय में चर्चा की और हम सब ने उस शहीदों की सभा में भाग लिया। और उस सभा में लगातार 3 दिनों तक शैरन ने आत्मिक अभिषेक प्राप्त किया और उसने बहुत सारे दर्शन भी प्राप्त किए और उसने आशीर्वाद प्राप्त किए साधु भाई से, और ये सब कुछ शैरन के बारे में। एक और बात हमारे बच्चों के विषय में ये है, जब हमारी बड़ी बेटी 6 महीनों की थी, मैंने फिर से कंसीव किया, तो मेरे फैमिली मेंबर्स ने ये कहा कि अभी तो बहुत ही जल्दी कंसीव कर लिया तुमने, और क्योंकि मेरी पहली बच्ची भी सीजेरियन थी और ऐसे समय में दूसरा बच्चा कंसीव करना बहुत मुश्किल बात थी, तो ऐसा हुआ कि उस समय सब हमसे थोड़ा दूर दूर रहने लग गए थे। तो उस समय मैं सोचने लग गई कि मुझे ऐसे समय में क्या
क्या करना चाहिए। तो जब हम ये सब सोच रहे थे, एंजल टीवी पर साधु भाई ने ये कहा कि प्रभु को अबॉर्शन पसंद नहीं है और ये शैतान का काम है और हमें इसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये यीशु पिता की तरफ से नहीं आता है, ऐसा कहा। तो फिर हम दोनों ने ये निर्णय लिया कि चाहे लोग कुछ भी बोलें, कैसा भी बोलें, कोई हमें प्रोत्साहित करे या नहीं, हम इस बच्चे को जरूर रखेंगे चाहे लोग हो ना हो। इस तरह से हमने निश्चित कर लिया और फिर कंसीव हो गई थी तब मैं डॉक्टर के पास गई और मैंने डॉक्टर की सलाह ली। और मैंने एक्चुअली पहले ही बता दिया था कि मैं एक बीपी पेशेंट थी और इस चेकअप के दौरान भी, जैसे क्योंकि मैं रेगुलरली टैबलेट्स ले रही थी, तो ये दूसरी बार जब मैंने कंसीव किया था मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, कुछ तकलीफ नहीं हुई बिल्कुल भी, क्योंकि मैं अपनी बड़ी बेटी का ध्यान रखना चाहती थी, पहली बेटी का, और मुझे सब का काम करना था, सारा घर का काम करना था और मुझे अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना था। लेकिन प्रभु ने मुझे उठा लिया, हम लोगों को उठा लिया और पूरे 9 महीने तक उन्होंने अपने हथेली में हमें रखा था और बहुत अच्छा ध्यान रखा मेरा, कुछ भी नहीं हुआ और मुझे कोई भी समस्या नहीं हुई और डॉक्टर को भी कुछ भी नहीं मिला। और पहले डॉक्टर ने कहा था कि बीपी पेशेंट्स को 36 से 38 हफ्तों तक पहुंचना मुश्किल था और प्रभु के अनुग्रह से मैंने पूरे 38 हफ्तों तक उसे अपने पेट में रखा और जो ड्यू डेट दी गई थी, प्रभु के अनुग्रह से जॉयस पैदा हुई, 9 नवंबर को जॉयस पैदा हो गई और हमारे लिए ये एक बहुत ही अच्छा अनुभव साबित हुआ। जब हमारा विश्वास हिल गया था, प्रभु ने हमें आशा दी और हमें ऊंचा उठाया। जब किसी का भी मुझे सहारा नहीं मिला था, उस समय प्रभु ही मेरा सहारा थे। हाय दोस्तों, क्या मैं आपको अपना तीसरा दर्शन बताऊं? जब हम इस सुबह चर्च में जा रहे थे ना, उसके बाद क्या हुआ पता है? मैंने एक दर्शन देखा, जब मैंने ऊपर देखा दोस्तों, मैंने स्वर्ग लोक में एक स्वर्गदूत देखा जो तुरी बजा रहा था, तुरी बजा रहा था दोस्तों। जब वो बजा रहा था, उसके अंदर से अग्नि आ रही थी और उसके बाद हवा आई दोस्तों। जब मैंने स्वर्गदूत से पूछा कि ये किस विषय में है, स्वर्गदूत ने कहा कि ये अंतिम समय है तो उसके लिए हमें सबको तैयार करना है, ऐसा कहा मुझे। और जब मैंने मम्मी से कहा कि वो भी ऊपर देखे, तो मम्मी ने कहा कि कुछ सचमुच आ रहा है। ये मेरा तीसरा दर्शन है दोस्तों। चौथा दर्शन बता सकती हूँ? जब मैं प्रार्थना करी थी एंजल कुटीस के शिविर में, प्रभु मुझे लेकर गए और वो मेरे सामने खड़े थे दोस्तों। यीशु पिता मेरे सामने तो थे ही, और वहाँ पर गैब्रियल और माइकल स्वर्गदूत भी थे और बाकी बहुत सारे स्वर्गदूत भी थे वहाँ पर दोस्तों। इस तरह से वहाँ पर बहुत सारे स्वर्गदूत थे। उसके बाद जब मैंने उनसे पूछा कि मेरी टीचर कहाँ है, तो यीशु पिता ने मुझसे कहा मेरी टीचर मुझे दर्शन नहीं दिखाएगी, पर लेकिन वो होंगे तो वो मुझे दर्शन दिखाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है,
ठीक है यशु पिता। फिर यशु पिता मुझे एक बगीचे में लेकर गए दोस्तों। वहाँ पर बहुत सारे फूल थे दोस्तों, बहुत सारे फूल थे। मैंने उनकी खुशबू ली दोस्तों। फिर यशु पिता ने मुझसे कहा कि अगर मैं ज्यादा प्रार्थना करूंगी तो वो मुझे बहुत सारे दर्शन दिखाएंगे, ऐसा मुझे प्रभु ने कहा। तो ये मेरा चौथा दर्शन है दोस्तों। एंजल टीवी पर दिखाए जाने वाले सारे बच्चों के कार्यक्रम देखते देखते ये आत्मिक तरह से बढ़ रहे हैं मेरे बच्चे। चाहे वो व्यक्तिगत प्रार्थना हो या दर्शन देखना हो, ये सारी चीजें वो हमें बताते हैं। तो ये जब भी हम ये सुनते हैं ना, तो हमें बहुत खुशी मिलती है। प्रभु उन्हें इस उम्र में भी बहुत ही अच्छी तरह से बड़ा कर रहे हैं। और बहुत सारे बच्चों में हमने ये देखा है कि वो ट्रैक्स बांटने में बहुत ही भयभीत हो जाते हैं, लेकिन हमने हमारे दोनों बच्चों में ये देखा है कि वो एंजल टीवी के ट्रैक्स ले लेते हैं और घर घर जाकर वो ट्रैक्स को बांटते हैं और वो यीशु पिता के विषय में बात करते हैं। और उनको ये ट्रैक्स बांटते हुए देखकर भी हमें बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है। और कई बार बच्चे मुझे आकर ये कहते हैं कि यीशु पिता ने उनसे कहा है कि वो हमारी मदद करें, हमारा सहारा बने, ऐसा कहा, और वो हमारे प्रति आज्ञाकारी हो, ऐसा कहा। और इसी वजह से वो घर के जितने भी काम हैं उसमें मेरी मदद करते हैं और दोनों बच्चे घर को साफ रखने में भी मदद करते हैं। अब ये उनके आत्मिक जीवन हो या फिर घर के कामों के बारे में हो, वो यीशु पिता की बातों को सुनकर और उनकी आज्ञा को मानते हैं और मेरे बच्चे हर समय मेरी मदद करते हैं, हमारी मदद करते हैं और बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं। इसीलिए मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे दो आशीर्वादी संतान प्रदान किए। अरे दोस्तों, आ गए आप? सुन ले आपने दोस्तों, मेरे दोस्तों के दर्शनों को यीशु पिता ने जो दर्शन प्रदान किए हैं मेरे दोस्तों को, आप लोगों ने सुना होगा ना कि उन्होंने कितनी सुंदर तरह से सुनाया। अच्छा दोस्तों, ये पार्क जो है ना, मुझे इसे छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा। पार्क बहुत ही सुंदर है और मैं यहाँ बैठा हुआ था ना, हमारे दोस्त भी यहाँ आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि वो हमारे लिए एक गीत गाएंगे। क्या हम उनके सुंदर गीत को सुने? दोस्तों, मैं और मेरी छोटी बहन आपके लिए गीत गाएंगे। मैं गीत गाऊंगी और मेरी बहन एक्शन करेगी, देखोगे आप? पांच पत्थर हाथ में, चमत्कार हाथ में, आश्चर्यजनक चीजें होगी और लोग कूदेंगे और गाएंगे खुशी से। दाऊद ने उसके सर पे मारा और गोलियत जमीन पे गिर के मर गया। एक गुलेल के साथ उसने उसको मार डाला, पांच पत्थर हाथ में, चमत्कार हाथ में, आश्चर्यजनक चीजें होगी और लोग कूदेंगे और गाएंगे खुशी से। पांच पत्थर हाथ में, चमत्कार हाथ में, आश्चर्यजनक चीजें होगी और लोग कूदेंगे और गाएंगे खुशी से। देखा दोस्तों, शैरन और जॉयस ने कितने अच्छे दर्शन सुनाए, कितने चकित करने वाले थे ना।
प्रभु ने उनको बहुत ही अद्भुत दर्शन दिए हैं। उनके मम्मी पापा को भी सुनाना आपने। इन्हीं की तरह यदि आपको भी दर्शन प्राप्त करने, आपको क्या करना चाहिए? यीशु पिता के सामने ज्यादा समय तक प्रार्थना और इंतजार करने से यीशु पिता आपको भी दर्शन देंगे। दोस्तों क्या प्रार्थना करोगे? आप अच्छे बच्चे हो ना, निश्चित रूप से प्रार्थना करोगे। मैं आपको मिलूंगा अगले हफ्ते नए दोस्तों के साथ। बाय। दोस्तों आपने हमारे दर्शन सुने ना, क्या आप भी ऐसे दर्शन पाना चाहते हो? क्या हम आपके लिए प्रार्थना करें? यीशु पिता इन्हें हमारी तरह दर्शन प्रदान कीजिए। यीशु पिता सारे छोटे बच्चों को दर्शन प्रदान कीजिए। यीशु पिता सारे बच्चों को दर्शन प्रदान कीजिए। धन्यवाद कि आपने हमें दर्शन प्रदान किए। यीशु पिता इन्हें भी दर्शन प्रदान कीजिए। यीशु पिता धन्यवाद कि आपने हमारे दर्शनों का मतलब अर्थ हमें समझाया। यीशु पिता धन्यवाद उसके लिए। यीशु पिता धन्यवाद कि आपने हमारे दर्शनों का मतलब समझाया और उसे सिखाया हमें। यीशु पिता, यीशु पिता धन्यवाद कि आप हम सबको एक साथ लेकर आए। यीशु पिता, यीशु पिता धन्यवाद इस सेवकाई के लिए। यीशु पिता धन्यवाद कि सब इस सेवकाई में जुड़ गए। यीशु पिता के नाम में प्रार्थना करते हमारे अच्छे पिता। आमीन। बच्चों को भी कोई आत्मिक अनुभव हुआ है तो उनके बारे में और उन्हें हुए दर्शन के बारे में हमें आप लोग जल्द से जल्द लिखकर भेजिए। हमारा पता है एंजल कुट्टीज, एंजल टीवी, बिल्ली बक्कम, चेन्नई 49, तमिलनाडु, इंडिया। हमारी ईमेल आईडी है angel.kutties@angeltv.org।